खामोश। बड़े हीरो ऐसे हमारे बाबू वीर कुंवर सिंह जी के को आज माल्यार्पण करने का, उनको प्रणाम करने का, उन्हें नमन करने का आज शुभ अवसर मिला है। हम बिहारी बाबू हैं, बंगाली बाबू बनकर अभी चुनाव लड़े और जीत गए वहाँ पे आप लोगों के आशीर्वाद से, दुआओं से। लेकिन सही मायनों में जैसे हमारे मित्र और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है, मैं भारत माँ के संतान हूँ और हिंदुस्तानी बाबू। अब किसी लोगों ने कह दिया दुनिया को, विरोधियों को, जो लोग आए थे सामने टक्कर लेने, लोहा लेने जो आए थे, तो वीर कुंवर सिंह से ही प्रेरणा लेकर हमने सबको कह दिया और कर दिया खामोश। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा बंगाली बाबू बन गए आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में खड़े हुए, चुनावी मैदान में जीत दर्ज की और उसके बाद अब हिंदुस्तानी बाबू बनकर राजधानी पटना लौटे और वीर कुंवर सिंह जी को माल्यार्पण कर उसके बाद किस तरीके से बीजेपी और नीतीश कुमार के सवाल पर क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुनिए। ये अभी अभी ताज़ा ताज़ा हमारी जो ऐतिहासिक जीत हुई है आसनसोल से, जो मैसिव मैंडेट मिला है, जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग न्यूज़ मिला है आप लोगों को, जो हमारी ममता बनर्जी जी की और तमाम से लेके आसनसोल के जनता जनार्दन की, उसके बाद जीत के मसीहा संघर्षवाद के, राष्ट्र प्रेम के मसीहा, सबसे बड़े देशभक्त, सबसे बड़े स्वतंत्रता सेन महावीर और सबसे बड़े हीरो ऐसे हमारे बाबू वीर कुंवर सिंह जी के को आज माल्यार्पण करने का, उनको प्रणाम करने का, उन्हें नमन करने का आज शुभ अवसर मिला है। हमारे प्रबुद्ध लोग हैं, जितने लोग उनके परिवार के लोग हैं, वीर कुंवर सिंह परिवार के विक्रम हैं साथ में, मगन देव बाबू हैं, समरेंद्र बाबू हैं, ये होने वाले मेयर साहब हैं, ये तमाम लोग जो हम आए हैं, हम उन सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। और यही देखिए, ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम में और ऐसे सामाजिक कार्यक्रम में ये प्रेरणादायी के लिए जो भी हम आए हैं यहाँ पे प्रणाम करने और लोगों की हौसला अफजाई करने, उनको माल्यार्पण करके, उस वक्त मैं नहीं समझता हूँ कि राजनीति की कोई बात यहाँ करें। हालांकि जो आपने कहा है उस बात में बिल्कुल सच्चाई है, वो बातें सत्य हैं, उनमें तथ्य हैं, उनमें दो राय नहीं है। लेकिन यही मैं कहना चाहूँगा, ये समय सही नहीं है, हम किसी और वक्त इसका बात करें। इस पर बिहारी बाबू या बंगाली बाबू, हम बिहारी बाबू हैं, बंगाली बाबू बनकर अभी चुनाव लड़े और जीत गए वहाँ पे आप लोगों के आशीर्वाद से, दुआओं से। लेकिन सही मायनों में जैसे हमारे मित्र और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है, मैं भारत माँ के संतान हूँ और हिंदुस्तानी बाबू। अब किसे लोगों ने कह दिया दुनिया को, विरोधियों को, जो लोग आए थे सामने टक्कर लेने, लोहा लेने जो आए थे, तो वीर कुंवर सिंह से ही प्रेरणा लेकर हमने सबको कह दिया और कर दिया खामोश। ठीक है सर, आप आज आज नहीं आज आज बीजेपी में सहज है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री जी सहज है ये सब बातें मुझसे क्यों कर रहे हैं? या आप गृह मंत्री जी से पूछें, या मुख्यमंत्री जी से पूछें, या हमारे मित्र लालू यादव जी से पूछें, या उनके परिवार से पूछें। तो आपने सुना, आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करने के बाद बंगाली बाबू अब हिंदुस्तानी बाबू बन चुके हैं और कहते नजर आ रहे हैं कि बंगाली बाबू भी बनकर मैंने जीत दर्ज की और अब जब बिहारी और बंगाली बाबू बन चुका हूँ तो ये कहने में गुरेज नहीं कि हिंदुस्तानी बाबू बनकर लौटा हूँ। दूसरी तरफ जब उनसे सवाल किया गया कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के साथ असहज महसूस कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इसका जवाब उनके मित्र यानी कि लालू प्रसाद यादव को अपना मित्र बता रहे हैं, मित्र लालू प्रसाद यादव देंगे या फिर बीजेपी।
खैर लाइफ स्टीज के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।